नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है डायबिटीज मेलिटस के ऊपर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा स्पाम करा है कमेंट की डायबिटीज मेलिटस पे वीडियो बनाइए। सो हियर इट इज, आप सभी की डिमांड पे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको पूरा कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट नहीं करते, प्यार नहीं देते, तो शायद ना हो पाता। पर अभी भी एक शिकायत है कि 70% से ज़्यादा वॉच टाइम वो लोगों से आ रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है। तो दोस्तों, विंडो शॉपिंग छोड़िए, अगर आप रियल मेडिकल और होम्योपैथी का कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सीधे हम वीडियो में चलते हैं। हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इन दिनों डायबिटीज नाम की जो बीमारी है वो इतनी तेजी से अपने पैर पसार रही है, पूरी ह्यूमिनिटी को ये ओवरवेलम करके रखी है। एक रिसर्च बताती है कि इंडिया में माफ कीजिएगा, शायद हर चौथा या पांचवा व्यक्ति, एक एज ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर वो 30s 40s से 80 के बीच में है तो हर पांचवा व्यक्ति डायबिटिक है। तो इट इज अ वेरी सीरियस एंड इट इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द होल फिटर्निटी, मेडिकल फिटर्निटी। तो आज हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज डायबिटीज, ये कितने प्रकार का होता है, इसके साइंस क्या होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, और प्रोबेबली इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की तारीख में एक आम आदमी को भी बहुत अच्छे से पता है डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी क्यों हो रही है, इसका टेक्निकल इशू आप समझ जाइए, टेक्निकल एस्पेक्ट समझ जाइए, तो इसको समझना बहुत आसान होता है। शुगर की बीमारी होने का बेसिक लक्षण होता है कि डायबिटीज के पेशेंट के अंदर जो शुगर होती है, ब्लड में जो शुगर होती है, वो जो मानक बताए गए हैं मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा कि आपकी जो नॉर्मल शुगर है, इससे इतने से इतने अगर आपकी शुगर है तो ये नॉर्मल शुगर है, एक डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ये शुगर उस लेवल से ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, वो हम दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं और हम एक एक चीज की चर्चा बिल्कुल धेड़ पैर और फटाफट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि व्हाट इज डायबिटीज, ठीक है ना। डायबिटीज हैपन्स व्हेन योर बॉडी इजंट एबल टू टेक अप शुगर ग्लूकोज इन टू इट्स सेल एंड यूज इट फॉर एनर्जी। दिस रिजल्ट इन द बिल्डअप ऑफ द एक्स्ट्रा शुगर इन यूर ब्लड स्ट्रीम। Poorly controlled diabetes can lead to the serious sequences or consequences causing the damage to the wide range of your body's organ and tissue including the heart, kidney, eye, nerves, etc. ठीक है ना। तो बॉडी, तो शुगर का क्या मतलब है कि जब, अब देखो शुगर का फंडा पहले शुगर से समझना पड़ेगा कि शुगर क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। आप जैसा कि जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर हम तीन प्रकार की बेसिक हमारी डाइट जो रहती है उनमें सिर्फ तीन माल होता है, तीन आइटम होते हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है। मतलब आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, आप ओरली पेट के अंदर जो कुछ भी इंजेस्ट करते हो, वो अल्टीमेटली तीन चीजों में विघटित होता है। उससे हमको सिर्फ तीन चीजें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। पहला मिलता है शुगर, दूसरा मिलता है हमको शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ ना, शुगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये सब सेम है। तो पहला मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमको मिलता है प्रोटीन और तीसरा हमको मिलता है फैट। हमारे इंटेक में, हमारी डाइट में ये तीन चीजें होती हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है कि मेरी बॉडी का बहुत बड़ा एक अगर एक बॉडी की बात करें तो उसके अंदर जब भी कोई नई चीज बनानी होती है तो प्रोटीन लगता है, ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन काय में होता है, नॉन वेजिटेरियंस में होता है, कच्चे चने होते हैं, स्प्राउटेड मूंग होती है, दाल होता है, अंडा होता है, ये प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन में बॉडी के अंदर सेल बिल्डिंग का काम करता है। दैट इज द मेन रीजन कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेंगे तो मसल्स बिल्ड होती है ना। हम कार्बोहाइड्रेट की बात सबसे एंड में करेंगे। दूसरे नंबर पे फैट या फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जो रहता है, जो फैट होता है, वो हमको लंबे समय के लिए एनर्जी के स्रोत के रूप में हमारे लिए काम आता है। कहने का मतलब, जो भालू होता है, वो जो पोलर बियर होता है, वो खूब सारा खाना खा लेता है, फिर जब विंटर में हाइबरनेशन का सीजन आता है तो उसका वेट वो कर लेता है 500-700 हजार किलो खा खा के।
और जब वो भालू शीत निंद्रा में जाता है, तो शीत निंद्रा में जाने के बाद वो 6 महीने सोता रहता है, कुछ खाता ही नहीं है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है वापस 350-400 किलो। तो फैट का क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के लिए, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे नहीं बताया जाएगा। फैट हमारे लिए एक लंबे मियाद के अंदर हमको एनर्जी के स्रोत के रूप में बॉडी में स्टोर रहता है। कि वेन एवर ए ह्यूमन बॉडी गोज इन टू द स्टार्विंग कंडीशन, स्टार्वेशन में जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल डाइटिंग, जो मोटे लोग डाइटिंग करते हैं तो उनका फैट रिड्यूस होता है ना। फैट क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि फैट जो टिश्यू था उसको बॉडी ने कैसे, बॉडी उसको देख रही थी, उसको बॉडी देख रही थी कि जब ये भूखा मरेगा तो हम फैट को यूज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैट एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको फैट और प्रोटीन का इंपॉर्टेंस बता दिया। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रियल टाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर या फिर ग्लूकोज, ये रियल टाइम एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ये अभी तुरंत एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो जो हमारी बॉडी एज अ यूनिट काम करती है, उस यूनिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आती है शुगर से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको तत्काल एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। जब ये एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस एनर्जी प्रोडक्शन में ग्लूकोज से एटीपी निकलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एटीपी। एटीपी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो एटीपी होते हैं, जो ग्लूकोज से निकलते हैं, शुगर से निकलते हैं, यही एनर्जी प्रोडक्शन का इकलौता जरिया है, और हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन इसी से होता है। अब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में शुगर तो हमेशा होती है, कि जो हम जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज वगैरह जो इंटेक करते हैं, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स टूट के ग्लूकोज के अंदर हमारे ब्लड के अंदर बह रहा होता है शुगर के फॉर्म में, और वो एक शुगर की मेडिकल साइंस ने एक लिमिट बताई हुई है कि भाई तुम्हारी फास्टिंग में इतने से इतने शुगर है तो नॉर्मल है, तुम्हारी खाना खाने के बाद इतने से इतने शुगर है तो नॉर्मल है। वेन एवर दिस लेवल ऑफ ब्लड शुगर एक्सीड्स दिस नॉर्मल लिमिट, इस नॉर्मल लिमिट के ऊपर जाता है, तो बंदे को बोलते हैं कि ये बंदा डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है ना। तो ये हमने समझा कि डायबिटीज के अंदर शुगर से क्या रिलेशन है, इसको शक्कर की बीमारी क्यों बोलते हैं और क्या लफड़ा है। अब हम जानेंगे कि देयर हाउ मेनी टाइप ऑफ डायबिटीज इज देयर, क्या यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर जो डायबिटीज होता है वो कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों इस आप स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेडिकली 4 प्रकार का डायबिटीज बताया गया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज। दिस टाइप इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, मीनिंग your body attack itself. In this case the insulin producing cell in your pancreas are destroyed. Up to 10% of the people who have the diabetes have type 1 diabetes. It's usually diagnosed in the children and young adult but can develop at any age. It was once better known as the juvenile diabetes. इसको पहले juvenile diabetes बोला करते थे, क्योंकि पहले सिर्फ बच्चों में मिलता था, पर इन आज के दिन में ये adults में भी मिलता है। People with type 1 diabetes needs to take insulin every day. This is why it is called insulin dependent diabetes. अब मेरी बात समझिए, अब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे शुगर का फंडा बताया, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि ये शुगर का रेगुलेशन बॉडी में कैसे होता है। बॉडी के अंदर जो शुगर है उसको रेगुलेट करने का टाइम काम जो है वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो पेनक्रियास से होता है, ध्यान से सुन लेना भाई, इसके लिए कोई स्लाइड वाइड बनाने की जहमत नहीं उठा रहा मैं ना, ये आप सिर्फ सुन लो और अच्छे से समझ लो। शुगर का रेगुलेशन इंसुलिन हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है पेनक्रियास से होता है। पेनक्रियास बॉडी की इकलौती ग्लैंड है जो ड्यूअल ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन भी है वो एक्सोक्राइन भी है। पेनक्रियास ड्यूअल ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो हमारे को प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। वो जूस सीधे एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में ड्रेन होता है। वहीं जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, जिसके अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा बीटा 2 प्रकार की सेल होती है, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो
इंसुलिन जो निकालता है वो पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट निकालता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन हमारे सेल्स को सिग्नल देता है कि भाई आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो कृपया करके ये जो ब्लड जो शुगर के अंदर एक्सेस ब्लड है इसको आप अपटेक कर लो। मेरी बात समझ रहे हो, क्या इंसुलिन का सिग्नल देता है, इंसुलिन सिग्नल देता है कि भाई आपने खाना खाया है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, और क्योंकि आपने खाना कुछ घंटे बाद खाया है आपके सेल्स के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज की कमी है, तो वो इंसुलिन सेल्स को एक्टिवेट करता है कि ब्लड शुगर को वो अपटेक कर लेते हैं, जिससे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज की कमी हो रही थी वो भी पूरी हो गई, प्लस ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज था वो भी अपटेक हो गया, वो भी वहां से गायब हो गया, और तीसरी बात ये जो ग्लूकोज सेल्स ने अपटेक करा है ये ग्लूकोज अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये यूज करेंगे। तो दिस इज हाउ इंसुलिन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। अब होता क्या है, डायबिटीज जो है वो दो प्रकार का बताया है, वन इज द इंसुलिन डिपेंडेंट एंड द सेकेंड इज इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये टाइप वन डायबिटीज एंड टाइप टू डायबिटीज। टाइप वन डायबिटीज की स्लाइड मैंने आपको पढ़ के बताया कि टाइप वन डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुछ पहले से ही लोचा होता है कि उनके अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस मतलब पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं होता, और ऐसी कंडीशन क्या होती है मेडिकली बहुत ज्यादा छुपी नहीं रहती है, तो ये पहले के जमाने में तुरंत बचपने में ही मतलब छोटे बच्चों के अंदर इसका डायग्नोसिस हुआ हो जाया करता था, इसलिए टाइप वन डायबिटीज का जो निकनेम हुआ करता था वो जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल मतलब बच्चों में होने वाला, पर आज की तारीख में एडल्ट्स के अंदर भी और यंग एडल्ट्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा है टाइप वन डायबिटीज, जिसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। अब हम देखेंगे टाइप टू की परिभाषा कि टाइप टू में क्या होता है, क्योंकि टाइप टू होता है वो 90% केसेस अगर डायबिटीज के पूरे वर्ल्ड में होंगे तो वो टाइप टू ही सबसे कॉमनली पाया जाता है, टाइप वन सिर्फ 10% है जैसा कि हमने उसकी स्लाइड में देखा था, ठीक है ना। अब व्हाट इज टाइप टू डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज विद दिस टाइप योर बॉडी आइदर डजेंट मेक इनफ इंसुलिन और योर बॉडी सेल्स डजेंट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द इंसुलिन। इसके अंदर आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जनरली डायबिटीज टाइप टू के अंदर लोगों को इंसुलिन जो रहता है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है, पर आपका शरीर जो होता है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है मतलब इंसुलिन को वो उसका महसूस नहीं कर पाता। This is the most common type of diabetes. Up to 95% of the people with the diabetes have type 2. It usually occurs in the middle-aged or older people. Other common name of the type 2 diabetes includes the adult onset diabetes or insulin resistant diabetes. Your parents and grandparents may have called it Having a touch of sugar, मतलब ये बहुत माइल्ड होता है कुल मिला के बात ये। अब समझिए, अब जैसे इंसुलिन निकला तो इंसुलिन का काम मैंने क्या बताया, इंसुलिन क्या करता है भैया, ग्लूकोज का अपटेक कराता है। टाइप वन में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, टाइप टू में क्या होता है, इंसुलिन तो बन रहा होता है, इंसुलिन होता है बॉडी के अंदर, पर वो इंसुलिन को बॉडी महसूस नहीं कर पाती, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कि इंसुलिन के मौजूदगी को शरीर महसूस नहीं कर पाता, और इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा गया है या एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज कहा गया है, और 95% केसेस इन दिस वर्ल्ड जितने भी केसेस हैं वो 95% जो केसेस होते हैं वो इसी के होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, है ना। तो ये हमने समझा कि दो प्रकार का डायबिटीज है, ये शुगर मैकेनिज्म को डायबिटीज के अंदर क्या फॉल्ट होता है हमने ये भी समझा, इंसुलिन का क्या काम रहता है हमने ये भी समझा। अब हम सीधे बात करेंगे कि लक्षणों की बात करते हैं कि भाई लक्षण क्या होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ही इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो डायबिटीज सिम्टम्स आर वेरी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यूर ब्लड शुगर इज एलिवेटेड, आपका ब्लड शुगर किस लेवल पे है उससे पे डिपेंड करते हैं लक्षण क्या होंगे। सम पीपल स्पेशली दोज हु आर द प्री डायबिटिक और टाइप टू डायबिटिक मे समटाइम नॉट इवन एक्सपीरियंस द सिम्टम, जो शुरू शुरू में जिनको डायबिटीज होता है उनको महसूस तक नहीं होते कि उनको पता भी नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। सिम्टम्स टेंड टू कम ऑन क्विकली
बी मोर सीवियर। कहने का मतलब यह है कि सिम्टम्स डायबिटीज के क्या होंगे ये डिपेंड करेगा आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो जो प्री डायबिटिक की स्टेट में जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल ताजे ताजे डायबिटिक हुए हैं, उनको तो सिम्टम्स भी नहीं पता चलते, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है। ये एक्सीडेंटली डायग्नोज होता है कि अगर किसी डॉक्टर ने लिखा कि आप शुगर नपवा लीजिए, अब आपकी एज हो गई, कई बार वो तब पता चलता है। पर अगर डायबिटीज के लक्षण किसी भी पेशेंट के अंदर एकदम इंसिडियसली नहीं, एकदम बिल्कुल फास्ट कोर्स में आ रहे हैं, बहुत रैपिडली सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, तो ये बहुत सीवियर माना गया है ना। और डायबिटीज का जो असर होता है, डायबिटीज लॉन्ग पीरियड ऑफ डायबिटिक पेशेंट के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डायबिटीज हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना, इनके ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एंड ऑर्गन डैमेज है ये ब्लड शुगर करती है। अभी हम समझेंगे कि ब्लड शुगर किस तरह से, डायबिटीज बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज नुकसान किस तरह से पहुंचा रहा होता है, हम थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले हम इसके लक्षणों को पूरी तरह से समझ लें। अब देखिए इसके सिम्टम में क्या है, सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। सबसे पहली बात, क्योंकि शुगर की बीमारी है, फर्क नहीं पड़ता कि टाइप 1 शुगर है या टाइप 2 बीमारी है, तो वो सिम्टम्स सेम होंगे। इंक्रीज्ड थर्स्ट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सट्रीम हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, है ना। इसको हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन, कीटोन यूरिया होता है और कीटो एसिडोसिस भी हो जाता है। फटिक, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन, स्लो हीलिंग सोर्स, मतलब चोटों का धीरे धीरे भरना। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन सच एज द गम, स्किन एंड वजाइनल इन्फेक्शन। अब आप एक चीज समझो, अब मैं आपको यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज बताने वाला हूं, कोई स्लाइड नहीं है, सिर्फ बोलूंगा और ढंग से सुन लेना या लिख लेना। शुगर ब्लड में ज्यादा है, ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है, अब वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि सेल्स उसको अपटेक कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सेल के पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज में, और टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं। अब ये ब्लड शुगर बॉडी क्या करेगी, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। इसका एलिमिनेशन बॉडी करती है कि GFR बढ़ाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी का GFR बढ़ाती है। तो बॉडी सोचती है कि मेरे पास अभी एक रास्ता है कि ये ब्लड में है शुगर, और शुगर को अगर मैं पूरी शुगर को किडनी से फिल्टर करके निकाल दूं तो ये बहुत बेटर होगा, ऐसे में ब्लड शुगर कम कर सकती हूं। क्योंकि नेचर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, वो प्रोटेक्ट जीव को करेगी, भले से जीव का कोई एक ऑर्गन खत्म हो जाए, नेचर को लेना देना नहीं, जीव को सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है ना, ये नेचर का सिद्धांत होता है। अब वो GFR बढ़ा, अब बॉडी क्या कर रही है, उसको किडनी से फिल्टर करने की कोशिश कर रही है, और इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन उसका हो रहा है शुगर को एलिमिनेट करने के लिए, शुगर को शरीर से बाहर पहुंचाने के लिए, कि वो इतना फिल्ट्रेशन होता है कि पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब लगने वाली समस्या होती है, विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम ऑफ द डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट का अगर एक सिम्टम कोई बोले यार तुम एक सिम्टम बताओ कि डायबिटीज के पेशेंट को ये होगा ही होगा, दैट इज द फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीयूरिया। अब होता क्या है कि जब वो शुगर को एलिमिनेट कर रही होती है, तो ये पहला सिम्टम का जस्टिफिकेशन है कि एक डायबिटीज के पेशेंट को बार बार पेशाब क्यों लगती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इस वाले सिम्टम को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, ये मैंने यहाँ पे आपको ये जस्टिफाई कर रहा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन वाली बात कर रहा हूं मैं, है ना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी शुगर को एलिमिनेट करने की कोशिश, अब वो शुगर को तो एलिमिनेट कर रही है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में बहुत आराम से हमको यूरिन में ग्लूकोज दिखता है, अगर उसका यूरिन का RM कराते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस रहती है, और वो ग्लूकोज को निकालने के चक्कर में और फिल्ट्रेशन कर करके GFR बढ़ा के उसका वाटर भी ग्लूकोज के साथ चला जाता है, मतलब उसका जो जल होता है शरीर का वो डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि इतना बाथरूम लगता है, इतना रात में 6-6, 5-5 बार बाथरूम कर रहा, तो इतना बाथरूम लगता है कि वो बाथरूम जा जाके वो हो जाता है डिहाइड्रेट। एंड दिस थिंग गिव द बर्थ टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द डायबिटिक पेशेंट, जो है पॉलीडिप्सिया, मतलब थ्रस्ट, उसका गला सूख जाता है, वो बार बार पानी पीने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और यहां पे मैंने कौन से सिम्टम को जस्टिफाई करा, देखिए इस वाले को, इंक्रीज्ड थ्रस्ट एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये दोनों हमने जस्टिफाई कर दिए, ठीक है।
जो तीसरा सिम्टम है, और जो तीसरा सिम्टम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम में से एक जो है वो है एक्सट्रीम हंगर। आप देखो, एक्सट्रीम हंगर के पहले हम वेट लॉस और कीटोन का प्रोडक्शन, इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हुआ क्या, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में, बिल्कुल 10 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं। शुगर ब्लड में बढ़ी, किडनी ने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करी, उस एलिमिनेशन में किडनी ने जीएफआर बढ़ा दिया, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया। तो शुगर तो निकली ही निकली, शुगर जब निकली शुगर के साथ पानी चला गया। तो तीन सिम्टम चार सिम्टम यहां पे क्या बन गए, पहला क्योंकि किडनी जरूरत से ज्यादा फिल्ट्रेशन कर रही है तो पॉलीयूरिया हुआ, बार बार पेशाब लगी। उस शुगर को निकालने के चक्कर में बॉडी ने क्या करा, पानी भी छोड़ दिया बाहर, पानी भी निकाल दिया तो डिहाइड्रेट हुआ, तो पॉलीयूरिया के साथ पॉलीडिप्सिया आया, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी। ठीक है ना, अब ये दोनों चीजें हम समझ गए। जो तीसरी चीज है और जो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है यहाँ पे, वो है वेट लॉस। वेट लॉस क्यों हो रहा है, अब आप एक चीज समझो कि पूरा का पूरा ग्लूकोज तो ब्लड में पड़ा है, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं है अभी। ठीक है ना, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि सेल्स के अंदर होना चाहिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सेल के अंदर होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, और दिस एनर्जी प्रोडक्शन के ना होने के कारण यहाँ पे जो सिम्टम आ रहा है वो है फटीग। ये जो थकान है इस पेशेंट को क्यों लगती है, क्योंकि इसके अंदर, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की मौजूदगी है ही नहीं, और ग्लूकोज की मौजूदगी ना होने के कारण ये पेशेंट थका हुआ महसूस करेगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज तो बन नहीं रहा है, तो अब होगा ये कि बॉडी क्या, बॉडी को लगेगा कि यार इसके पास, अब बॉडी को ये नहीं पता कि इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज ब्लड में है। बॉडी बस ये रियलाइज कर रही है कि इसके पास ग्लूकोज है ही नहीं। मतलब बॉडी इस पेशेंट की तुलना कैसे करेगी, शरीर को थोड़ी पता डायबिटीज है, शरीर को ये पता है कि यार ये स्टारवेशन कर रहा है, ये डाइटिंग कर रहा है, ये जानबूझ के भूखा रह रहा है, इसके भूखे रहने के कारण इसके पास ग्लूकोज नहीं आ रहा है। तो बॉडी ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस करेगी, ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोस, नियो मतलब एकदम नए स्रोत से ग्लूकोस को पैदा करने की कोशिश करेगी, और जिसके कारण मसल वेस्टिंग होगी। ग्लूकोनियोजिनेसिस के अंदर प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोस बनाया जाता है, क्योंकि बॉडी को ये नहीं पता। देखो बॉडी के, बॉडी सिम्टम, बॉडी से फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है, जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो बॉडी जो फीडबैक पे काम करती है, तो इसको ये नहीं पता कि ये, मतलब बॉडी को थोड़ी पता ये डायबिटीज नाम की बीमारी, बॉडी को ये नहीं पता कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी को ये नहीं पता कि ब्लड में शुगर है ज्यादा, ब्लड में शुगर ऑलरेडी है, बॉडी को ये नहीं पता। बॉडी क्या समझ रही है कि ये भूखा मर रहा है यार, ये कहीं ये सहारा के रेगिस्तान में बंदा अकेला फंस गया है और ये भूखा मर रहा है, इसको कहीं से भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी के लिए बॉडी ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है, जिससे प्रोटीन के विघटन, प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन से ग्लूकोज बनता है। एंड दैट इज द मेन रीजन कि व्हाई द डायबिटिक पेशेंट हैव द अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने इतने पॉइंट आपको मैंने जस्टिफाई कर दिए कि ज्यादा प्यास क्यों लगती है, बाथरूम क्यों लगती है, भूख क्यों लगती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कहां से हो रहा है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन तोड़ने लग गई, बॉडी इसकी प्रोटीन को तोड़ने लग गई, वो प्रोटीन को तोड़ के लीवर में भेज के उससे ग्लूकोज प्रोडक्शन करने लग गई। अब इसका एक, इस मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ग्लूकोनियोजिनेसिस के अंदर कीटोन पैदा होते हैं। भाई ग्लूकोनियोजिनेसिस जब प्रोसेस चल रही होती है, कि जब प्रोटीन के विघटन से ग्लूकोज को पैदा करा जा रहा होता है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करा जा रहा होता है, तो कीटोन पैदा होता है, और यही कीटोन ब्लड में बढ़ता है, जो कि एक और सिम्टम पैदा कर रहा है डायबिटीज का, प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन। ये ब्लड में और यूरिन में कीटोन आएगा, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है ना, इरिटेबिलिटी होती है। अब आप समझ रहे हो, इतना बड़ा बायोकेमिस्ट्री के लेवल में लचान मचा है बॉडी में, भसड़ मची है, तो उसके कारण ब्लड विजन होगा। ठीक है ना, ब्लड विजन होगा, स्लो हीलिंग ऑफ द सोर्स। अब ये इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि एक डायबिटिक पेशेंट के जो घाव होते हैं वो भर नहीं पाते, क्योंकि वहां पे जो घाव वाली जगह है वहां पे ऑलरेडी ये बैक्टीरिया होते हैं। अब इसके साले के खून में है जरूरत से अधिक शुगर, तो ये जब शुगर वाला एरिया, बैक्टीरिया और शुगर, बैक्टीरिया और शुगर,
इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन एट ऑल। जब ये लोग लैब के अंदर जब ये कल्चर वगैरह माइक्रोबायोलॉजी वाले बनाते हैं ना, तो कल्चर के लिए बेस ही शुगर होता है। एक छोटा सा उसमें बैक्टीरिया का एक ड्रॉप डाला, कल्चर को अब इंक्यूबेटर में रखा, तो उसके अंदर पूरी की पूरी कॉलोनी डेवलप होती है। मतलब अ ब्लड विच इज रिच इन द ग्लूकोज प्रोवाइड्स अ वेरी गुड सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी बैक्टीरिया। और यही कारण है कि जब भी कहीं चोट लगती है डायबिटिक पेशेंट को, वहां पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जरूरत से जल्दी होने के कारण उसकी हीलिंग नहीं होती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जाना कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, और ना ही सिर्फ साइन एंड सिम्टम बताया मैंने आपको, मैंने हर एक साइन एंड सिम्टम को जस्टिफाई कर करके बताया है कि क्यों डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा बाथरूम लगती है, क्यों उसको भूख लगती है, क्यों उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्यों उसके अंदर वेट लॉस होता है, क्यों उसके अंदर कीटो एसिडोसिस होता है, वो थका हुआ क्यों महसूस करता है, वीकनेस क्यों होती है ना, ये सारे सिम्टम डायबिटीज के। अपनी तरफ से भी कुछ सिम्टम बताना चाहूंगा कि ब्लड शुगर बढ़ने पे जनरली मेरी स्टडी में जो आया है, डायबिटीज पेशेंट को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। कि अगर आपका ब्लड शुगर डामाडोल होगा ना, तो सबसे पहला असर आपको उसका स्लीप पे पड़ेगा, मूड पे भी पड़ता है, इरिटेबिलिटी, तो ये सारे सिम्टम है डायबिटीज के। अब सीधे हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज। एज पर द मॉडर्न मेडिसिन डायबिटीज की आइडेंटिफिकेशन कुछ जीन्स में करा गया, मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, जो जेनेटिक कोड है। तो ये बात तो सही है कि अगर मदर फादर में से कोई डायबिटिक है तो उसका प्रीडिस्पोजिशन होता है, जेनेटिक हेरिडेटरी हेरिटेज होते हैं, डायबिटीज का पेशेंट हेरिडेटरी कैरेक्टर लेके आता है। बट अगर हेरिडेटरी कैरेक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ अगर मिल जाएंगे तो बंदे को डायबिटीज होना तय है। मेरे एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी के दो तीन पीढ़ी में डायबिटीज है, उसकी नानी भी डायबिटीज थी, उसकी मम्मी भी डायबिटीज है, पापा भी डायबिटिक है माइल्ड। पर अगर ये जो बंदा है जिस हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपने पेशेंट की, इसके पास दो कंडीशन है। अगर इसकी लाइफ स्टाइल इसने सेडेंट्री रखी तो इसको ज्यादा रिस्क है कि इसके जेनेटिक फैक्टर के साथ एक बार अगर प्लस होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये बंदा बच ही नहीं सकता डायबिटीज से। पर वही कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ये जो बंदा है जिसके दो तीन पीढ़ी में डायबिटीज है, अगर ये बंदा एथलीट निकल जाता है, ये अगर 5000 मीटर का रनर निकल जाता है मिल्खा सिंह जैसा, तो इसके एनवायरमेंटल फैक्टर शायद इसको, इसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके एनवायरमेंटल फैक्टर, इसके जेनेटिक कोड के ऊपर लिखी हुई चीजों को शायद काट सकते हैं। पर ये तो मैंने बताया कि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से क्या कारण है। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि डायबिटीज इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, है ना, क्रोमोसोम के ऊपर, कुछ क्रोमोसोम है, नंबर में भूल गया, उनके जीन्स के अंदर, वहां पे क्रोमोसोम के आर्म के ऊपर वाकई में जीन्स हैं जो डायबिटीज को एनकोड करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, मेरा ये मानना है कि डायबिटीज होने के पीछे कुछ मेंटल सिम्टम्स होते हैं। मेंटल सिम्टम्स कहने का मतलब आप समझो, डायबिटीज इज नॉट द फिजिकली ओरिएंटेड डिजीज। इन माय ओपिनियन डायबिटीज इज अ साइकोलॉजिकली, मतलब डायबिटीज का जो पहला बीज बंदे के अंदर आता है ना, जो चीज उसको उसके जेनेटिक कोड के अंदर लिखी हुई चीजों को ट्रिगर करती है, वो शायद साइकोलॉजिकल चीजें हैं। क्योंकि ये हम कैसे पता करते हैं कि जो डायबिटीज की मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में बताई, उन मेडिसिन की जब स्टडी करते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकल, जब मैं ट्रीटमेंट पे आऊंगा तो आपको ये चीज बताऊंगा बहुत अच्छा है ना। तो दोस्तों अब ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, पर ये जरूरी भी है इतना। तो अभी हमने क्या क्या देखा, देखिए हम एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे। हमने जाना व्हाट इज डायबिटीज, हमने जाना व्हाट आर द टाइप ऑफ द डायबिटीज, हमने जाना कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज, ठीक है ना। और अब हम फाइनली देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द डायबिटीज। एक ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा हमको अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि अब यहां से इसको चालू कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये हमारे बंदे के अंदर दो चीजें हैं, जो हमारा जो डायबिटीज का पेशेंट है, हमारा बंदा, उसमें दो चीजें हैं। पहली तो उसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इस बंदे की कई पीढ़ी तक डायबिटीज था, ठीक है ना, प्लस ये मोटा भी है, उसकी लाइफ स्टाइल के फैक्टर भी सारे घटिया स्तर के हैं, मतलब ये सेडेंट्री हैबिट लगता है, ये फास्ट फूड खाता है, इसका कोई सर्कैडियन रिदम नहीं है, कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, कभी भी सोता है, कभी भी उठता है। तो ये दो चीजें मिल रही हैं कि एक तो लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक फैक्टर, ये दोनों ने क्या करा इसके शरीर में, करा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आया तो ये प्री डायबिटिक की स्टेज पे आने वाला था, पर हुआ क्या, कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया,
मैंने आपको क्या बताया कि पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, तो इसके अंदर क्या हुआ, कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया हुआ कि इसके पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स की संख्या बढ़ गई इसके ब्लड के अंदर बढ़ते शुगर लेवल के जवाब में। तो शुरू में कुछ सालों तक तो ये नॉर्मोग्लाइसिक रहेगा, नॉर्मोग्लाइसीमिया मतलब नॉर्मल ब्लड शुगर, कैसे उसकी बॉडी ने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कोप करने के लिए बीटा सेल्स की संख्या बढ़ा दी। और द सेम थिंग इस यहाँ पे डायग्राम में बताई गई है कि वो इनिशियल में क्या हुआ भैया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो कंपेंसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया हुआ जिससे नॉर्मोग्लाइसीमिया रहा इसको कुछ सालों तक, पर उसके बाद क्या हुआ, बीटा सेल फेल होने लगे क्योंकि बीटा सेल की एक लिमिट है भाई, वो ऐसा थोड़ी है कि उनकी संख्या भी बढ़ा दो ज्यादा इंसुलिन भी निकालो तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि उनकी वो ताउम्र चलेगा। इसके अंदर क्या होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये बीटा सेल के अंदर इंजुरी होने लग गई ओवर यूज के कारण, बीटा सेल डेड होने लग गए, बीटा सेल अब उतनी इंसुलिन नहीं निकाल पा रहे हैं जितनी पहले निकालते थे शुरू के सालों में, अब बीटा सेल फेलियर हुआ और अल्टीमेटली ये डायबिटिक होने लग गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये यहां से देखिए मेरा माउस जहां घूम रहा है ना, ये पूरा मैकेनिज्म है टाइप 2 डायबिटीज का, और वहीं ये जो चीज बताई है प्राइमरी बीटा सेल फेलियर की, इसके अंदर बीटा सेल शुरू से ही शुगर के लिए शुगर कंट्रोल करने को इंसुलिन नहीं बना रहे थे, तो ये इस बंदे को हो गया प्राइमरी या टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पूरी राम कहानी समझी कि क्या होता है डायबिटीज टाइप 2 जो कि मेन कॉज है डायबिटीज का अमंग द पॉपुलेशन। अब हम धेड़ पेड़ बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में जो एक मेडिसिन, अगर देखो यार अब एक चीज आप समझो कि अगर पेशेंट मेरे सामने होगा तो मेरे को केस टेकिंग का थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं उसकी पेरेंटल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी बचपन की हिस्ट्री, उसके साथ बहुत सारी चीजें हमको लेने का मौका मिलता है केस टेकिंग में। पर जब हम वीडियो बना रहे होते हैं और वीडियो हम लोगों को बता रहे होते हैं, और ये वीडियो एक आदमी नहीं देखेगा, दो नहीं देखेगा, लाखों लोग देखेंगे क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, तो हमको जो मेडिसिन बतानी पड़ती है वो हमको बतानी पड़ती है कि ऐसी मेडिसिन जो ज्यादातर पॉपुलेशन पे काम करे, उसके अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन की टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कवर करने वाली दवा बतानी है मुझे, तो वो मेडिसिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के केस के अंदर वो है एसिड फॉस 200, फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं और एसिड फॉस बोलते हैं। अब मैंने जो आपको होम्योपैथिकली एज अ डॉक्टर जो कॉज बताया था, मैंने क्या बोला था कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ भावनात्मक आघातों के कारण डायबिटीज का पैदावार होती है, भले से उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर तो थे डायबिटीज के, उसके माता पिता से उसको मिले थे, पर उसकी लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है। मैं बिल्कुल उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अगर वो सेडेंट्री हैबिट्स का बंदा है, ऑबेस है, प्लस उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर भी है, पर जो मेरे को तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में मेरे को लगी है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ मेंटल लेवल पे कुछ ऐसी विसंगतियां पक्के में पैदा होती हैं जो अल्टीमेटली उसके डायबिटीज को प्रेसिपिटेट करके सरफेस तक ले आती हैं। ये हम ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन पूरी मटेरिया मेडिका पढ़ने के बाद, पूरी रिपर्टरी पढ़ने के बाद, एक कॉमन मेडिसिन निकली है फॉस्फोरिक एसिड 30, फॉस्फोरिक एसिड 200 या फिर एसिड फॉस 200। पर एसिड फॉस को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसके अंदर मेंटल वीकनेस की बात करी गई है, उसके अंदर ड्रेन की बात करी गई है, मेंटल ड्रेनेज की बात करी गई है, उसके अंदर नर्व की वीकनेस की बात करी गई है, नर्व टोन के कम होने की बात करी गई है ना। और यही जो ड्रेन होता है ना, मेंटल ड्रेन, यही मेंटल ड्रेन कहीं ना कहीं एक पेशेंट को डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेरी डायबिटीज के क्योर के राह में मेरी रिसर्च अभी चल रही है, उम्मीद है आने वाले 4-5 साल में मैं उसको कंक्लूड कर लूंगा, है ना। तो द फर्स्ट मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटीज इज एसिड फॉस 200। अगर कोई पेशेंट है उनको 4-4 गोली दिन भर में 3 बार लेना है कई महीनों तक बिना रुके। एंड द सेकेंड मेडिसिन, ये बेसिकली इस मेडिसिन तो बोलेंगे इसको, इसके अंदर दो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन हम लेंगे, जेमनेमा सिल्वेस्टर क्यू, जेमनेमा सिल्वेस्टर क्यू एंड जेमनेमा सिल्वेस्टर क्यू अकेला काफी है। मेरे को लगता है इसके अंदर हमको दो मदर, अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में कई बच्चे बोल रहे थे एब्रोमा ऑगस्टा क्या बहुत अच्छा है ना, तो सीजियम जेम्बोलिनम और जेमनेमा सिल्वेस्टर, ये दो का अगर आप मिक्सचर लेंगे, मतलब आपको बराबर मात्रा में, या तो आप एक शीशी में बनवा लो
या तो आप दो अलग अलग शीशियां ले लो, एक में आप ले लें 30 ml करीब जेमनेमा सिल्वेस्टर क्यूब, और 30 ml ले लें आप सीजियम जेम्बोलिनम का मदर टिंचर, और इन दोनों को 10-10 बूंद आधे कप पानी में साथ में मिलाएं और सुबह शाम इसका दिन में सेवन करें, तो आपको डायबिटीज के कंट्रोल में आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो बहुत बेटर होगा। बट क्या ये पर्चा आपका डायबिटीज को जड़ से सही कर पाएगा, मैं अभी इस बात का दावा नहीं करूंगा क्योंकि तो अभी इसके ऊपर रिसर्च करना बाकी है। मेरे को अभी मेरी लाइफ में एक भी ऐसा केस नहीं मिला, ना मेरे हाथों से हुआ ना किसी और के हाथों से हुआ कि किसी ने आके बताया हो मुझे कि डॉक्टर साहब मैंने होम्योपैथिक इलाज कराया मैं बिल्कुल सही हो गया, मेरा डायबिटीज सही हो गया। देखिए थायराइड में खुद सही करता हूँ चैलेंज के साथ, आप में से अगर कोई थायराइड के लिए टेली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ऊपर मेरा ये पट्टी चल रहा है, इसमें मेरे व्हाट्सएप के नंबर डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करो, मैं जड़ से सही कर दूंगा आपका थायराइड। 1 साल से 1.5 साल के इलाज में मैं आपकी थायरो नॉर्म की कितने mg की गोलियों में खत्म कर दूंगा आपका थायराइड जड़ से। बट मैं सेम थिंग इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा अभी कि क्या डायबिटीज भी ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है। तो जो दो दवाएं, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन में हमको एसिड फॉस 200 4-4 गोली दिन में 3 बार, और मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में हमको बराबर मात्रा में सीजियम जेम्बोलिनम क्यू और जेमनेमा सिल्वेस्टर क्यू को दोनों को इक्वल मात्रा में मिला के 10-10 बूंद दोनों की मिला के हमको आधे कप पानी में दिन में 2 बार लेना है। तो उम्मीद है ये पर्चा आपके लिए काम आएगा, और अगर कोई इसके ऊपर मेरे रिसर्च में साथ देना चाहते हैं तो प्लीज इस कॉम्बिनेशन को, इन दोनों दवाओं को कुछ महीने लेने के बाद अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट कराइए, और मेरे जो हर डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट दिए हुए उनसे आप मेरे को प्लीज कमेंट करके या फिर वहां पे व्हाट्सएप करके बताइए कि क्या आपको इस पर्चे से लॉन्ग टर्म में कोई फायदा हुआ, आप भी इस रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाइए, चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत जल्द आपसे अगले चैनल के इस वीडियो में मुलाकात होती है, और इस शनिवार को शाम को 4:30 बजे लाइव स्ट्रीम में भी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।